सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, मेरा नाम है हनी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब की दुनिया में आज हम एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकल सोकल। और भाई मेरे साथ में यहाँ पर है भाई अभिषेक। तो कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया जी। तो भाई आज हम एक न्यू चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा लोकल सोकल। तो कैसा लग रहा है भाई आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा अपने नए चैनल की शुरुआत करने के लिए और दिखाने के लिए लोगों को कि हम कितनी सारी जगह हम ऐसी जाते हैं जहाँ हम आपको भी ले जा सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं हम कितनी अच्छी अच्छी जगह और कितनी अलग अलग जगह जाते रहते हैं। तो चलो भाई चलते आगे, अपनी स्विफ्ट गाड़ी तैयार है, एक छोटी सी सुबह मॉर्निंग राइड पर चलते हैं और आगे की बातें करते हैं राइड पर चलते चलते। सो भाई हम निकल पड़े एक छोटी सी राइड पर, सुबह मॉर्निंग राइड पर। भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज हम काफ़ी टाइम बाद इतनी जल्दी उठे हैं। भाई मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं खुद काफ़ी टाइम बाद आज इतनी जल्दी उठा हूं। भाई सुबह उठ के आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। बाकी तो भाई अब आपको पता ही है, सुबह अभी तो 6 बज रहे हैं, इसके बाद तो फिर गर्मी हो ही जानी है। तो भाई आज हम एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा लोकल सोकल। तो बेसिकली ये चैनल भाई ट्रैवलिंग के पर्पज़ पे हम तैयार कर रहे हैं। तो भाई हम आगे आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने जाएंगे कि जहाँ हम टूर करेंगे वो सारी चीज़ हम कैप्चर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए भाई आप थोड़ी सी इंजॉय करिए राइड सुबह की। तो देखिए भाई इस तरह कुछ वेदर दिख रहा है इस टाइम पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो भाई देखिए सुबह के 6 बजे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सड़कों में कितना ट्रैफिक रहता है। यार मैं तो सोचता हूँ सुबह सुबह शायद सड़कें खाली रहती है, लेकिन भाई ऐसा लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल नियर बाई फ्लाईओवर है और मैं इससे दिन के टाइम में भी अगर गुजरता हूँ तो मुझे इतना ही ट्रैफिक दिखता है जितना अब दिख रहा है। ये देखिए भाई कितना बड़ा ट्रक सुबह सुबह चल रहा है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपना, बस ऐसे ही रोड रोड जहाँ मन कर जाए, जहाँ आपको कुछ आपसे बातें कर सके। बस देखिए भाई सुबह सुबह ये सन कितना प्यारा लग रहा है। भाई आज काफ़ी टाइम बाद मैं सुबह जल्दी उठाऊँ तो मेरे को तो कुछ अलग ही दिख रहा है। करिए भाई आप थोड़ी सी ये राइड इंजॉय करिए, फिर हम आपसे मिलते हैं आगे। अभिषेक भाई देखो आगे ब्लैक कलर की थार जा रही है यार। हाँ यार ब्लैक कलर में कुछ ज्यादा ही मजेदार नहीं लगती देखने में? हाँ देखो ये नई वाली थार कितनी अच्छी लग रही है रोड पे चलती हुई। भाई अलग ही लुक है इसका चलते हुए तो देखो। देखना भाई एकदम इतने बड़े बड़े टायर लग रहे हैं इसके भाई देखने में। देखो कितनी अच्छी लग रही है रोड पे चलती हुई। भाई अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता होगा तो चलाने में। हाँ खास करके ऑफ रोड पे। ऑफ रोडिंग के लिए तो भाई बनी है ये, ऑफ रोडिंग तो किंग है भाई। तो भाई चलो थार को छोड़ते हैं पीछे और चलते हैं आगे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राइविंग करते टाइम पे भाई सीट बेल्ट जरूर लगाए। भाई हम भी सीट बेल्ट यूज करते हैं भाई और करनी भी चाहिए भाई अपने सेफ्टी पर्पज के लिए। जैसा कि हनी भाई ने बताया कि सुबह सुबह कितनी गर्मी हो जाती है, देखिए धूप धूप इतनी तेज लग रही है और सुबह के अभी सिर्फ 6 बजे हैं। भाई बहुत तेज धूप लग रही है, बिल्कुल सी चुप सी नहीं है। और धूप इतनी तेज हो गई है कि मतलब हर जगह धूप ही धूप दिख रही है। मतलब सुबह 6 बजे तो इतना फ्रेश वेदर होता है
और साथ में आज गर्मी भी है। कोई नहीं, देख रहे हो किशोर भाई, ये साइड में मेट्रो का काम चल रहा है भाई, कितनी तेजी से मेट्रो का काम चल रहा है, चलती है पिलर खड़े कर दिए दिल्ली मेट्रो ने। हाँ भाई, इस रूट पे भी अपनी मेट्रो जुड़ जाएगी जनकपुरी से। दिल्ली मेट्रो की सर्विस काफी फास्ट है, और एक हमारे इधर का फ्लाईओवर है जो कि बनता ही नहीं है कभी। भाई वो तो पता नहीं, ये भाई जब मैं स्कूल पढ़ते थे भाई, जब उसका काम शुरू हुआ था रास्ता का फ्लाईओवर तैयार ही नहीं हुआ भाई। तो ये थार हमसे आगे हो चुकी है भाई, थार अलग ही दिख रही है ना भाई, अभिषेक भाई एकदम बढ़िया दिख रही है। भाइयों से बात करते वक्त पता ही नहीं चला थार हमसे आगे कब निकल गई। भाई काफी ट्रेन में चल रहा है कि सब लोग लद्दाख जा रहे हैं, तो क्या खेले भाई, हम भी क्या लद्दाख चले पहले टूर पे अपनी। ये तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, आप लोग हमें बताइए कि हमें कहाँ जाना चाहिए जिससे कि। भाई ऐसा है, मैं आपको बताऊँ कि हम लोग कंफ्यूज है थोड़ा सा कि हम केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं या नहीं जाएं। जो कि भाई आप ही लोग एक बार बताइए कि हम कहाँ जाएं, आप कहाँ देखना पसंद करेंगे। केदारनाथ तो जो कि हम अक्टूबर लास्ट ईयर होके आए हैं, पर फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम दोबारा विजिट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम भाई हम ब्लॉगिंग नहीं करते, तो सोच रहे कि ब्लॉगिंग नहीं करते थे, फिर भी अगर हम ब्लॉगिंग करते तो हम क्या क्या दिखा सकते थे ना, हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गए बाबा के दर्शन करने के लिए। चलो भाई कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो आपको हम कोशिश करेंगे भ्रम कमल भी दिखाएंगे। हाँ, वासुकी ताल, वासुकी ताल भी जाएंगे भाई, और कोशिश करेंगे चोरावरी लेक भी जाएंगे। जब जाएंगे तो भाई सारा ही कवर करेंगे भाई, आपको एक एक चीज दिखाएंगे भाई। अभिषेक भाई, तो आपको पता है सिग्नेचर ब्रिज करीब 1500 करोड़ रुपए का बना है। 1500 करोड़ भाई, इतनी लागत आई है मेरे हिसाब से, तो आई होगी यार, चीज भी तो बनाई है गवर्नमेंट ने। हाँ हो सकता है। और भाई जब मैंने थोड़ी देर पहले इसका देखा था भाई गूगल पे, तो भाई ये 2010 में काम इसका स्टार्ट हुआ था ना, और इसकी जो डेडलाइन थी 2016 के अंदर पूरी होनी थी, लेकिन इतनी तेज हमारे इंजीनियरों ने काम करा है कि 2013 में कंप्लीट कर दिया इसको। अरे 2013 में, 3 साल पहले, 2013 में मतलब गवर्नमेंट का कोई काम 3 साल पहले हो गया भाई। यार ये वो गवर्नमेंट नहीं भाई, सब कुछ चेंज हो चुका है, हमारे इंजीनियर पहले जैसे नहीं रहे भाई। अरे वाह, और बनाई भी क्या कितनी शानदार चीज है सिग्नेचर ब्रिज। ये तो भाई मानना पड़ेगा, दिन में अलग दिखता है, रात में अलग दिखता है उसकी लाइटिंग, और उसके आसपास जो फ्लाईओवर है भाई, कभी उस पर भी आपने गौर करा होगा, उसकी लाइटिंग कितनी प्यारी लगती है भाई। हाँ लाइटिंग बड़ी कमाल की, मतलब लाइटिंग वैसे देखा जाए तो कुछ भी बढ़िया चीज है अगर अपने इंडिया में या कहीं भी, तो उसमें लाइटिंग का काफी मेजर पार्ट है, मतलब लाइटिंग की वजह से वो ज्यादा खूबसूरती उसकी बाहर निकल के आती है। भाई लाइटिंग तो भाई जरूरी है भाई, क्योंकि देखो हमारी जिंदगी में भी भाई लाइट है। हाँ लाइट मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि खुशियाँ एक तरह से, उसे हम लाइट कह सकते हैं भाई। अगर लाइट ना हमारे हमारे जीवन में तो भाई फिर मजा ही क्या भाई, जीवन का खुशियाँ ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई हम आ गए सिग्नेचर ब्रिज, आपको दिख रहा होगा भाई वो दूर से सिग्नेचर ब्रिज। अभिषेक भाई आपको सही बताऊँ तो मेरे को तो बड़ा प्यार लगता है। हाँ दूर से भी और पास से भी भाई, सच में भाई सिग्नेचर ब्रिज काफी अच्छा लगता है। लेकिन भाई मैंने बीच में एक अफवाह सुनी थी कि इसके ऊपर एक रेस्टोरेंट ओपन होएगा, क्या ये सही बात है भाई, हो कि इसमें एक रेस्टोरेंट बनेगा या फिर बनना था आगे। वैसे बनता तो काफी बढ़िया लगता है इसके ऊपर रेस्टोरेंट, होना तो चाहिए था भाई, अलग ही फील आती बैठ के साथ में एंजॉय करने में भाई, इतनी ऊपर से पूरी दिल्ली देखती भाई, सोचो कितना मस्त लगता भाई, है भी काफी ऊपर, और इतने ऊपर कोई रेस्टोरेंट हो और साथ में बैठ के खाना खाए, वाह मजा ही आ जाए भाई। मैं तो सोच रहा सुबह सुबह हम इतनी ऊपर देखो भाई, वहाँ पर सिग्नेचर में टॉप पे आप होते और बस सुबह सुबह इसमें चाय पी होते हो भाई, मजा ही आ जाता, अलग ही फील थी। बस चाय का स्वाद तो कहीं भी ले लो वो अलग बात है, हम पीते नहीं। भाई सेंटर देख रहे हो भाई, कितनी पुरानी सेंटर, छोटे टायर लगा रखे हैं, अलॉय लगा रखे हैं, और ये देखो अलग ही लेवल का लगा रखे हैं भाई, एक साइड की लाइट का पता नहीं, एक साइड लाइट है और पर गाड़ी में अलॉय चाहिए भाई, शौक है भाई, क्या कर सकते हैं, ऐसे अलॉय भाई इसके अलग ही लेवल के लग रहे हैं भाई, गाड़ी से अलग ही लग रहे हैं बिल्कुल, अलॉय अलॉय दिख रहे हैं इसके दरवाजे, दिख क्या रहे हैं। वैसे भाई एक टाइम था सेंट्रो का ही बहुत क्रेज था भाई। हाँ ये देखो सेंट्रो काफी
हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिग्नेचर। तो बिना लाइटिंग के भी ये काफी। भाई वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर उसके ऊपर रेस्टोरेंट होता तो कौन सा रास्ता होता, क्योंकि पिलर जा रहे इनमें से रास्ता होता ना। हाँ, इन पिलरों में से होना चाहिए रास्ता। मैंने सुना था कि लिफ्ट विफ्ट का कुछ है पर आज तक पता चल नहीं पाया, और है भी शायद ये देखो तो भाई ये मेंटेन करने के लिए लिफ्ट शटर वगैरह तो दे रखे हैं इसके अंदर, बाकी पता नहीं। वैसे तो भाई काफी लोग देखो यहाँ पर सुबह सुबह भी घूम रहे हैं, तो पिकनिक स्पॉट हो कोई। तो हम क्या सोच रहे हैं कि नीचे चला जाए, जमुना की तरफ चला जाए भाई, जमुना की तरफ चला जाए, रिवर दिखाया जाए अपने व्यूअर्स को। देखिए भाइयों, है तो रास्ता यही पर डाउट है कि इस पे गाड़ी जाएगी कि नहीं। इस रास्ते पे लग तो रहा है चली जाएगी पर दिक्कत आएगी भाई। ये महिंद्रा थार नहीं है जो ऑफरोडिंग कर रहे भाई, इस स्विफ्ट पे थोड़ा देखना पड़ेगा रास्ता है भी या नहीं। तो भाई ये अपना सिग्नेचर ब्रिज कुछ इस तरीके से लगता है भाई, नीचे से देख रहे हो भाई। तो भाई वहां से हम आए थे भाई गाइस, उस साइड से हम आए थे, ऐसे आए और बिल्कुल वहाँ अपनी गाड़ी ऊपर खड़ी है, नीचे गाड़ी लाने की हमारे को जगह नहीं दिखी, नहीं तो हम भाई जरूर लाते। वैसे गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है लेकिन हमें रास्ता नहीं दिखा कहाँ से आई हुई है। और देखो भाई हमारे जमुना जी, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये जमुना जी है, इतनी गंदगी है यहाँ पर भाई और ये स्मेल भी कर रही है। हम सोच के कुछ आए थे और मिला कुछ, लेकिन भाई फिर भी काफ़ी लोग हैं भाई यहाँ पे जो सुबह वॉक वगैरह पे आए हुए हैं, कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे पीछे हमने देखे, काफ़ी लोग हैं भाई यहाँ जो सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह पे आते हैं, ये अपनी एक्सरसाइज करते हुए कुछ लोग आके शायद हैं भाई। बस वही बात है कि बाइक हो तो भाई कहीं से भी नीचे उतरी जाएगी, क्योंकि बाइक के तो हमने रास्ता देखे, लेकिन भाई कार हो तो भाई मुश्किल तो रहता ही है। अभी अपनी गाड़ी भी भाई ऊपर मेन रोड पे खड़ी है भाई, तो चलो भाई चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हाँ जी, तो ये अपना सिग्नेचर है, ये चौकी है, इसके साथ से आगे से रास्ता जा रहा है जो कि नीचे आता है इधर से, और इधर से आप जा सकते हो बाइक लेके नीचे, जा सकते हो सिर्फ आप बाइक से, गाड़ी का कोई ऑप्शन नहीं है। आपसे पूछा था कि बताइए हमें कि कहाँ जाना है, कहाँ देखना चाहेंगे आप हमें, कहाँ हमारे साथ चलना चाहेंगे भाई। भर भर के कमेंट करो और बताओ कि आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहोगे, हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। आपका जो कमेंट सबसे ज़्यादा जिस जगह का होगा हम वहाँ चलेंगे भाई। तो भाई प्लीज़ हमें बताया जाए कि आप कौन सी जगह देखना चाहोगे, जहाँ आप कहोगे हम वहाँ चलेंगे। और मिलते हैं भाई आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो अपने चैनल को, ये आप ही का चैनल है भाई लोकल शॉपिंग। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में।